पुराने दिनों में बॉलीवुड जाना जाता था स्पेशली रोमांटिक मूवीज के लिए और अच्छे डायलॉग डिलीवरी के साथ अच्छे सॉन्ग्स के लिए। ये रोमांटिक मूवीज का सिलसिला मानो जैसे खत्म ही हो गया था। पर वहीं रोमांटिक मूवीज की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की एक प्यारी जोड़ी फिर से बड़े पर्दे पे ऑडियंस का प्यार जीतने की जोरों शोरों से तैयारी कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सत्य प्रेम की कथा मूवी की ट्रेलर का। मूवी के टाइटल के साथ मेकर्स ने अपना क्रिएटिविटी दिखाया है, क्योंकि मूवी में हीरो का नाम सत्य प्रेम और हीरोइन कथा दोनों का मिलके सत्य प्रेम की कथा। ट्रेलर के स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि सत्य प्रेम कथा से प्यार करता है और हमारे हीरो अपने हीरोइन को फ्लर्ट कर रहा है। देन सत्य प्रेम की सपना टूट जाता है। अब आगे सत्य प्रेम की फैमिली से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहां सत्य प्रेम की शादी को लेके कोई सीरियस ही नहीं है। इतनी देर से सिर्फ सत्य प्रेम को लेके कहानी घूमती रहती है, लेकिन अब जाके कथा की एंट्री होता है गाने के साथ। लेकिन कथा की फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, ये सारी चीजें वहाँ पे मिसिंग है। ये शायद मूवी के क्लाइमेक्स का ही पार्ट है। अब दोनों की शादी हो रहा है, जहाँ सत्य प्रेम बहुत खुश नजर आता है, लेकिन कथा की चेहरा बहुत टेंस नजर आता है। अब शादी के बाद कोई ऐसा एक सच सामने आता है जो ट्रेलर पे रिवील नहीं किया है, ऑफ कोर्स, क्योंकि फिर मूवी देखने का क्या मतलब है। ओवरऑल ट्रेलर शादी के पहले जैसे कॉमेडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे ही शादी के बाद कुछ करवा सच के इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मूवी के अंदर अगर क्लाइमेक्स बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा तो ये फिल्म के लिए बढ़िया है। कार्तिक आर्यन इन दिनों बॉलीवुड के अंदर एक ऐसा चेहरा रह चुका है जो बॉलीवुड की डूबती नैया को बचाने में कामयाबी हासिल कर चुका है। कार्तिक की फिल्म सिलेक्शन काफी अच्छी है। इस बार भी सत्य प्रेम की कथा में कार्तिक और कियारा की जोड़ी बेहतरीन लग रही है। ओवरऑल बाकी सपोर्टिंग कास्ट की भी परफॉर्मेंस अच्छा है और म्यूजिक भी सिचुएशन के हिसाब से काफी अच्छी है। मैंने कुछ क्रिटिक्स के रिव्यूज देखे, वो कह रहे हैं कि कार्तिक और कियारा की जोड़ी शाहरुख काजोल जैसा, रणवीर दीपिका जैसा लग रहा है। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। खैर मूवी 29 जून को आने वाला है और मूवी की रिव्यू भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।